हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। अज 16 सितंबर है तो आप रेडी हैं अपने कैंट अफेयर सैशन के नाल। कैंट अफेयर सैशन जो कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुम शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, सैशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो। इस तो इलावा IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी दे लई बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुसी एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवाने दे लई तुसी साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर तुसी साड़ी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता होया है। होर भी किसी तरीके की क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ नू अगर तुसी बाय करना चाहते हो तो भी तुसी वैबसाइट नू विजिट कर सकते हो। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले 14 सितंबर नू हिंदी दिवस ऑबजर्व किया गया। 14 सितंबर नू हिंदी दिवस ऑबजर्व किया गया। अगर गल करिए वर्ल्ड हिंदी डे ऑबजर्व किया गया सी 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी ऑबजर्व किया जाता है और 14 सितंबर नू हिंदी दिवस ऑबजर्व किया गया। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 11 सितंबर नू ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल दूसरे सैटरडे नू मनाया जाता है सितंबर दे। हर साल सितंबर दे दूसरे सैटरडे नू मनाया जाता है। इस साल उसनू 12 सितंबर नू ऑबजर्व किया गया। बेसिकली रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इसनू मनाया जाता है 2000 ईयर तो लगातार 2000 साल तो ईयर 2000 तो ऑबजर्व किया जा रहा है। ठीक है जी। इस तो इलावा इसकी थीम याद रखनी है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। इस दिन की थीम रही से। नेक्स्ट है डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया का बिलोंग करते हैं। इन्हों द्वारा मैन सिंगल टाइटल जितया गया, US ओपन का मैन सिंगल टाइटल जितया डोमिनिक थीम ने। किसनों हरा के? जर्मनी दे अलेक्जेंडर जवरेव नू। जर्मनी दे अलेक्जेंडर जवरेव नू हरा के डोमिनिक थीम द्वारा मैन सिंगल टाइटल जितया गया US ओपन का और वूमेन सिंगल टाइटल जितया गया US ओपन का नायोमी ओसाका द्वारा। नायोमी ओसाका जापान तो बिलोंग करते हैं। किसनों हरा के? विक्टोरिया एजरेंका नू हरा के जो कि बेलारूस तो बिलोंग करते। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन कितों बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। कैसी टीम तो बिलोंग करते हैं? मर्सिडीज़ तो बिलोंग करते हैं। इन्हों द्वारा टस्कन ग्रैंड पिक्स टाइटल 2020 जितया गया। टस्कन ग्रैंड पिक्स टाइटल 2020 किन्हां द्वारा जितया गया? लुइस हैमिल्टन द्वारा। और इस तों इलावा याद रखना टस्कन ग्रैंड पिक्स टाइटल का फर्स्ट एडिशन हेल्ड किया गया। नेक्स्ट है टेलीकॉम ऑपरेटर VI जेड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, VI कंपनी है, इस द्वारा स्पोंसर किया जा रहा है, को स्पोंसर किया जा रहा है IPL नू। IPL 2020 नू इस साल दे लई स्पोंसर करेगा ड्रीम 11 और इस दे नाल VI उसनू को स्पोंसर करन जा रही है। नेक्स्ट है IPL गेट्स फर्स्ट US प्लेयर। इस दे नाल ही जेड़ा IPL है इस दे विच पहले US प्लेयर अली खान खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दे विच, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दे विच। त्रिनबैगो नाइट राइडर्स 2020 दी कैरीबियन प्रीमियर लीग जीती है। त्रिनबैगो नाइट राइडर्स द्वारा कैरीबियन प्रीमियर लीग जीती गई है और प्रवीण तांबे पहले इंडियन प्लेयर बने सी जिन्होंने इसनू पार्टिसिपेट किया सी। नेक्स्ट है चैतन्य तमहाने इन्हों द्वारा बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जितया गया फॉर हिज मराठी लैंग्वेज फिल्म द डिसिपल एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल। वेनिस फिल्म फेस्टिवल दे विच द डिसिपल मूवी दे लई चैतन्य तमहाने द्वारा अवार्ड जितया गया, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जितया गया। नेक्स्ट है इंदिराज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी। एयरपोर्ट के उत्ते टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की गई है इंडिया के पहले एयरपोर्ट के उत्ते। किहड़े एयरपोर्ट के उत्ते? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इंडिया का किहड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बनया जिथे COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की गई है? अपना आंसर होएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है राधा नायर इज़ द ऑथर ऑफ द बुक
ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 इस बुक नू किस द्वारा लिखा गया? राधा नायर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO CCO दी अपॉइंटमेंट करने दे लई आरबीआई द्वारा कहा गया बैक्स दे विच बेसिकली जिन्हां दा टेन्यूअर होया करेगा तीन साल दा टर्म होया करेगी। नेक्स्ट है यूके साइंस फर्स्ट मेजर पोस्ट ब्रिज एग्जिट डील विद जापान। यूके ने जापान दे नाल एग्रीमेंट साइन किया बेसिकली ट्रेड दे लई यूके द्वारा जापान दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया और यह यूके दी ब्रिटेन एग्जिट डील तो बाद पहला एक मेजर डील है। लिबेरियन प्रेसिडेंट जॉर्ज वे द्वारा रेप नू नैशनल एमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। जॉर्ज वे द्वारा रेप नू नैशनल एमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनेगी। कैपिटल है मोनोरोविया लिबेरिया कैपिटल मोनोरोविया करंसी डॉलर चलती है। जुजवेडा जुवेजा कंपनी है रशिया दी। जुवेजा एक कंपनी है रशिया दी जो कि स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉमिकल सूट्स होंगे ने जो स्पेस सूट्स होंगे ने इन्हों बना रही है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए फॉर गगनयान मिशन भेजा जाएगा। इसरो द्वारा अनाउंस किया गया सी हुण गगनयान मिशन के लिए जोड़े एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उन्होंने लिए जोड़े स्पेस सूट्स ने और रशिया की एक कंपनी बना रही है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात हैज़ टॉप्ड एज़ बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट। स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट दे विच गुजरात ने एज ए बेस्ट परफॉर्मर टॉप किया। सिमिलर तरीके दे नाल अंडेमान एंड निकोबार द्वारा यूनियन टेरेटरीज दे विच टॉप किया गया और इसी इंडेक्स दे विच एक कैटेगरी सी एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी इस कैटेगरी नू टॉप किया सी हरियाणा ने और पंजाब इस दे विच चौथे नंबर पर सी। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट विल लॉन्च मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम नू केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दी क्रिया यूनिवर्सिटी द्वारा कैटालिस्ट एक इनक्यूबेशन सेंटर बनाया गया जयपुर दे विच बनाया गया विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। पंजाब की गल करिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम नू लॉन्च किया गया टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज इन द स्टेट। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आई डोनेशन पोर्टल नू तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। साबुज साथी स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल एक स्कीम है जिसनों 2015 दे विच लॉन्च किया गया सी साबुज साथी। इस स्कीम ने ग्लोबल प्राइज जीते इन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द साबुज साथी स्कीम नू ग्लोबल प्राइज दिता गया। नेक्स्ट है ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने गरिमा स्कीम लॉन्च की है। केड़ी स्टेट द्वारा गरिमा स्कीम लॉन्च की गई? सैनिटेशन वर्कर दे ली गरिमा स्कीम नू लॉन्च किया गया ओडिशा दे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स सेटअप करने के लिए अनाउंस किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी कैंपेन लॉन्च किया गया सी महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है डीआरडीओ की एक रिसर्च लैब मोरियाना डिस्ट्रिक्ट दे विच बनाई गई है विद अ कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीज़। 2000 करोड़ रुपए की लागत के नाल एक रिसर्च लैब बनाई गई है डीआरडीओ की। कितने बनाई गई है? मध्य प्रदेश के मोरियाना डिस्ट्रिक्ट दे विच। इस तो इलावा एमपी दे चीफ मिनिस्टर ने जेड़े उन्हां द्वारा अनाउंस किया गया कि एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा एमपी दी मोरियाना सिटी दे विच ऑन द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेई दे नाम दे उत्ते।
नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा मिल्क नू मिड डे मील स्कीम दे अंडर ऐड करन दे लई अनाउंस किया गया। मिल्क नू मिड डे मील दे अंडर ऐड करन दे लई अनाउंस किया गया वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू दे नाल मिलके की करया फाउंडेशन चोन रखिया अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कंपलैक्स एट हीरानगर जम्मू एंड कश्मीर दे हीरानगर दे विच एक अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कंपलैक्स का ई फाउंडेशन चोन रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वल। स्टैटिक पोर्शन के लक्षद्वीप की स्टेट एनीमल है बटरफ्लाई फिश। स्टेट बर्ड है नूदी टर्न और स्टेट ट्री है ब्रेड फ्रूट। मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल है बारासिंगा। स्टेट बर्ड है पैराडाइज फ्लाई कैचर और स्टेट ट्री है बनियान ट्री। महाराष्ट्र की गल करिए जॉइंट स्क्वेरल काफ़ी इंपोर्टेंट है जॉइंट स्क्वेरल महाराष्ट्र के विच है। स्टेट बर्ड ग्रेट इंपीरियल पीजन और स्टेट ट्री है मैंगो। मेघालय की गल करिए क्लाउडर लियोपार्ड स्टेट एनिमल काफ़ी बार पूछा गया है क्लाउडर लियोपार्ड नेशनल पार्क भी है स्टेट एनिमल है मेघालय का। हिल मैना स्टेट बर्ड है और गामेरी स्टेट ट्री है। ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन ऑब्जर्व किया गया। ये ऑब्जर्व किया गया सी कल दे दिन यानी कि 15 सितंबर नू इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा 15 सितंबर नू ही इंजीनियर्स डे भी ऑब्जर्व किया गया सी। इंजीनियर डे ऑब्जर्व किया गया सी 15 सितंबर। ठीक है जी इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी दिन की तो बाकी दिन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लें। 14 सितंबर हमने डिस्कस करके हटे से हिंदी डे ऑब्जर्व किया गया। 12 सितंबर एक तक ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 12 सितंबर नू। इस तो अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन ऑब्जर्व किया गया सी 12 सितंबर नू। 11 सितंबर नू हमने आप डिस्कस किया सी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे और 10 सितंबर की अगर आप गल करिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ लिविंग प्लैनेट रिकॉर्ड 2020 एक रिपोर्ट है जिसनों जारी किया गया WWF इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड और WWF नहीं है जी रैसलिंग होती है यह है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंटरनेशनल एंड जियोलॉजी सोसाइटी ऑफ लंडन द्वारा दो ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा मिलकर इसनों जारी किया गया। किस दे लई टू ट्रैक वाइल्ड लाइफ पापूलेशन अराउंड द वर्ल्ड जिनी भी वर्ल्ड दे विच वाइल्ड लाइफ पापूलेशन है उसनों ट्रैक करन दे लई। बेसिकली सब तो पहले इस रिपोर्ट दे बारे यह याद रखना है कि यह हर 2 साल दे विच एक बार रिलीज़ की जाती है बायनॉमली है 2 साल दे विच एक बार रिलीज़ की जाती है। ठीक है और किनवा एडिशन रिलीज़ किया गया इसका एडिशन रिलीज़ किया गया सी 13th एडिशन रिलीज़ किया गया। इस दे विच की पाया गया रिडक्शन पाई गई है रिडक्शन यानी कि जिन्ने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है वाइल्ड लाइफ पापूलेशन है उस दे विच रिडक्शन पाई गई है। कितना कितने पापूलेशन इसका कारण है कितना कितने जी ट्रीज़ की जी रिडक्शन है वह इसका कारण है जो फॉरैसट ने उन्होंने ख़त्म किया जा रहा है। मेराइन दे विच अगर गल करिए पानी वाले एनिमल्स तो मेराइन वाटर लाइफ है जी खत्म हो रही है रिड्यूस हो रही है क्यों क्योंकि जिन्हें शिप्स वगैरह की गिनती ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है सीज़ दे विच पापूलेशन ज़्यादा हो रहा है इस करके पूरे वर्ल्ड दे विच वाइल्ड लाइफ पापूलेशन की रिडक्शन पाई गई है। ठीक है इस तो अलावा एक होर इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है WWF इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फंड नेचर फंड है जिहड़ा वर्ल्ड वाइल्ड नेचर फंड है जिहड़ा इसके एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे रीसेंटली
ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੈੱਸ ਲੈਜੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਆਨੰਦ, ਚੈੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਵਿਲ ਇਨੋਗਰੇਟ ਫੋਰਥ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਮਿਟ ਵਿਦ ਥੀਮ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ CII। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਮਿਟ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਫੋਰਥ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? CII ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਦੇ ਕੋਟਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CII ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M. Venkaiah Naidu ਦੁਆਰਾ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M. Venkaiah Naidu ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M. Venkaiah Naidu ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ M. Venkaiah Naidu ਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਮਿਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ, ਨੌਰਥ ਗੋਵਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੀ ਵੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 2023 ਤੱਕ। ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 2023 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਫਰਡ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਬਾਏ ਯੂਰੋਮਨੀ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 2020। ਯੂਰੋਮਨੀ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ MD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। MD ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ HDFC ਦੇ MD ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ HDFC ਦੇ MD ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਮੰਥ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ MD ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ MD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ। ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ? ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, SBI ਦੇ MD ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, SBI ਦੇ MD ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, SBI ਦੇ MD ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਡੈਬਿਊ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ,
इस बुक के ऑथर कौन ने। बेसिकली इस बुक नू हजे रिलीज़ नहीं किया गया, रिलीज़ किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, अनाउंस की गई है इस बुक नू। ऑथर कौन ने? गौरी खान। गौरी खान माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक के ऑथर ने, माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक के ऑथर ने। बेसिकली शाहरुख खान के वाइफ ने, शाहरुख खान के वाइफ ने गौरी खान। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के आप बुक्स डिस्कस की हुई ने, फॉर एग्जाम्पल श्री अय्यर, श्री अय्यर द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सेगा हू पेंटिड माई लस्ट रैड, हू पेंटिड माई लस्ट रैड। सिमिलरली इन्हों द्वारा एक होर बुक लिखी गई सी हू पेंटिड माई मनी वाइट, हू पेंटिड बाई माई मनी वाइट। कमलेश सुतार द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम से 36 डेज, 36 डेज बुक लिखी गई सी कमलेश सुतार द्वारा। नीना राय, नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक जी लिखी गई सी, ये लिखी गई सी नीना राय द्वारा। किन द्वारा? नीना राय द्वारा। चैनिंग तातुम, चैनिंग तातुम आप रिसेंटली डिस्कस किया सी, इन्हां दा नाम, इन्हां द्वारा बुक लिखी गई सी द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली स्पार्केला, द वन एंड ओनली स्पार्केला बुक लिखी गई सी चैनिंग तातुम द्वारा। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज 12th डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 12वें डिप्टी चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए। राज्यसभा की गल करिए, जिस लोकसभा और राज्यसभा दो अपने हाउसेज होंगे ने, लोअर हाउस और अपर हाउस, जो राज्यसभा है इसके 12वें डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। अगर आप गल करिए इस इन्हों तो पहले कौन सी, इन्हों तो पहले भी हरिवंश नारायण सिंह ही सके, इन्हों रीअपॉइंट किया गया, रीइलैक्ट किया गया, रीअपॉइंट किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए, बाकी ऑप्शन के काफ़ी इंट्रस्टिंग अपॉइंटमेंट्स ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले राजेश खुल्लर, राजेश खुल्लर अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है राजेश खुल्लर नू, राजेश खुल्लर नू। वर्ल्ड बैंक का हैडक्वाटर वॉशिंगटन डीसी के विच है, 189 मैंबर कंट्रीज ने और प्रेजिडेंट ने डेविड मलपास, प्रेजिडेंट कौन ने? डेविड मलपास। इस तो अलावा इसके MD का नाम है अंशुला कांत, MD का नाम है अंशुला कांत। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे कार्मन रेनहार्ट, कार्मन रेनहार्ट इस दे चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए थे। इस तो अलावा भी होर भी काफ़ी इंपॉर्टमेंट सी इंडिया तो वर्ल्ड बैंक के, फॉर एग्जाम्पल राजीव टोपनो, राजीव टोपनो जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सैक्रेटरी ने, इन्हों भी अपॉइंट किया गया सी एज ए एडवाइजर, एज ए एडवाइजर टू एडवाइजर अपॉइंट किए गए सी वर्ल्ड बैंक के। सिमिलरली समीर कुमार खारे, इन्हों अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ADB, दो इंपोर्टेंट बैंक्स, दो इंपोर्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट, राजेश खुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, समीर कुमार खारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ADB। ADB हैडक्वाटर मनीला फिलीपींस के विच है, 68 मैंबर कंट्रीज़ ने, मसद सुगु आसाकावा, मसद सुगु आसाकावा जापान तो बिलोंग करते हैं इतने के प्रेजिडेंट ने, और वाइस प्रेजिडेंट अशोक लवासा ने, इतने के वाइस प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए थे रीसेंटली? अशोक लवासा, जो कि इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर होंगे सी, इन्होंने इस पोस्ट को छोड़ के अशोक लवासा अपॉइंट किए गए सी वाइस प्रेजिडेंट। नेक्स्ट है अरुण श्रीनिवास, अरुण श्रीनिवास अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ फेसबुक, फेसबुक के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं अरुण श्रीनिवास। अच्छा एक क्वेश्चन है कि मैं दसा कि इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक है, तो यह पोस्ट खाली हुई सी इलेक्शन कमिश्नर की, इन्ह की जगह पर इलेक्शन कमिश्नर किन्हों अपॉइंट किया गया? कमेंट बॉक्स के आंसर देना। जेन फ्रेजर, जेन फ्रेजर अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप, सिटी ग्रुप के पहले फीमेल CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? जेन फ्रेजर। नेक्स्ट है Amazon, Amazon हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज Alexa's फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी फेस वॉयस इन इंडिया, इंडिया के पहली सेलिब्रिटी वॉयस Amazon Alexa। अगर आप गल करिए Alexa का एक डिजिटल असिस्टेंट है, Amazon का एक डिजिटल असिस्टेंट है Alexa, इस दे लई इंडिया दे वल्लों सेलिब्रिटी वॉयस चूज़ की गई है अमिताभ बच्चन दी।
काफ़ी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि Amazon दे हेड ने जेफ बेजोस, और अगर गल करिए Amazon जी अलेक्सा असिस्टेंट है इस हिंदी दे विच चैट करन दे लई, चिट चैट करन दे लई यूज़ किया जाएगा अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ को, एग्रीमेंट साइन किया गया है, याद रखने। इस तो अलावा अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के एम्बैसडर भी अपॉइंट किए गए थे, IDFC फर्स्ट बैंक के एम्बैसडर अपॉइंट किए गए थे। अमिताभ बच्चन गुजरात की, आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया, गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बैसडर भी ने। इस तो अलावा अमिताभ बच्चन ट्विटर का जिहड़ा कैंपेन लॉन्च किया गया सी, ट्विटर के उत्ते RBI का एक कैंपेन लॉन्च किया गया सी डिजिटल पेमेंट्स नूं प्रमोट करन दे लई, उस दे लई भी फेस अपॉइंट किया गया सी अमिताभ बच्चन। सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल दे ब्रांड एम्बैसडर अपॉइंट किए गए सी। सलमान खान रियलमी मोबाइल फोनस के ब्रांड एम्बैसडर अपॉइंट किए गए सी। पंकज त्रिपाठी खादी मॉल दे ब्रांड एम्बैसडर अपॉइंट किए गए, ठीक है जी। इस तो अलावा सचिन तेंदुलकर दे रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो डिस्कस करते हैं। पेटीएम की एक सबसिडरी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स पेटीएम की ही एक सबसिडरी है, इस दे लई ब्रांड एम्बैसडर अपॉइंट किया गया है सचिन तेंदुलकर नूं ब्रांड एम्बैसडर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिड एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने की कराया, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जिहड़ा उसकी कॉर्पोरेटाइजेशन की जा सके, और उसके प्रोसैस में देखने के लिए जिहड़ा ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप के हैड अपॉइंट किए गए ने। कौन अपॉइंट किए गए ने? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए इस अपॉइंट किया गया, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP। इस तो अलावा अमित शाह होम मिनिस्टर ने, गांधीनगर गुजरात तो लोकसभा MP ने। निर्मला सीतारमन की गल करिए, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और यह राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। पीयूष गोयल की अगर आप गल करते हैं तो पीयूष गोयल ने जेडे रेलवे मिनिस्टर प्लस कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, और पीयूष गोयल कितों राज्यसभा MP ने? महाराष्ट्र। प्रकाश जावेदकर भी राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। प्रकाश जावेदकर की अगर आप गल करते हैं इनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्लस इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री तो अलावा इनफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज है। नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ साइंड अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। केड़े बैंक के नाल SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट, या कह सकते हैं बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट होंगे जिहड़ा, यह साइन किया गया येस बैंक के नाल। SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया गया येस बैंक के नाल। सिमिलरली एक होर न्यूज़ सी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा भी येस बैंक के नाल ही बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर सैलिंग ऑफ इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ताकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ने इस इन्हों के और येस बैंक अपने कस्टमर को बेचे, ठीक है जी। दोनों एग्रीमेंट येस बैंक के नाल। इस तो अलावा येस बैंक ने लोन इन सैकेंड स्कीम और लोन ओवर सिक्योरिटी स्कीम शुरू किया से। येस बैंक के LIC का स्टेक बाय किया गया से। एक्सिस बैंक की गल करिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 29% स्टेक बाय किया, 1% पहले बाय किया हुआ सी, तो टोटल 30% स्टेक बाय किया एक्सिस बैंक ने। ICICI बैंक की अगर आप गल करिए, ICICI बैंक द्वारा WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू की गई सी।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ICICI ਬੈਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਉਤਸਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ICICI ਬੈਂਕ। ਇੰਸਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੈਕਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ICICI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਂਗੇ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। SBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ SBI ਦੁਆਰਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਗਾ, ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਯੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। UAE ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। IPL ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ? 13th ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ LMG ਗਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਮਿਸਾਈਲ ਗਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UAE ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਲਜ਼ਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ UAE ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UAE ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਮੈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਪਾਲ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੱਡ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਗਰ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟਡ ਇਨ ਇਨੋਗਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਾ ਅਫਗਾਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਵਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੰਟਰਾ ਅਫਗਾਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ USA ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਲਜਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉਂਗੇ। ਤਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਜਰ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੋਲਜਰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਾ ਅਫਗਾਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਵੀਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਲੇਬਾਨੋਨ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਟੀ ਹੈਜ਼ ਲੇਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਫਸਟ ਐਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਬਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਬਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਏਕ ਤੂੰ ਖੇਲੋ ਏਕ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤੁਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਬੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਅਸਮ ਦੁਆਰਾ। ਬੰਦੀਕੂਟ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੇਬਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 2050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਦੇ ਲਈ? ਫੋਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ 4 ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਹੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੌਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੂ ਲੈਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਲੇਹ। ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।